कैसे हैं आप सब लोग? तो मैं विश्वनाथ इस बार ट्रैवल टीवी की ओर से एक यात्रा पे जा रहा हूँ। ये यात्रा मैं पहले कर चुका हूँ लेकिन कुछ स्पेशल है इस बार। मैं तुंगनाथ पहले भी गया था, आपको मालूम होगा। तुंगनाथ से आगे इस बार मैं चंद्रशिला, जो कि हाईएस्ट पॉइंट रुद्रप्रयाग डिस्ट्रिक्ट है, वो करके आने वाला हूँ। आज सप्तमी का दिन है और कल मैं पहुंचूंगा चोपता, फिर अगले दिन नवमी के दिन मैं चढ़ाई करूंगा। सो इस बार ट्रैवल टीवी का कोई सदस्य मेरे साथ नहीं है, अमर को छुट्टी मिली नहीं। सो लेट्स यू नो आई एम ट्रैवलिंग सोलो दिस टाइम। मैंने बैग वैग सब पैक कर लिया है, आप देख सकते हैं, और सब पता कर लिया है। एज सच जो भी यू नो ट्रांसपोर्टेशन है, जो भी फूड फैसिलिटीज है, एवरीथिंग। सो लेट्स सी, होप एवरीथिंग गोज वेल एंड आई विल कीप यू अपडेटेड ऑन द वे। मेट्रो स्टेशन पहुंच चुका हूं, लेकिन यहां पे मैं जो ट्रैकिंग स्टिक लेके आया था, बैम्बू स्टिक, वो इन्होंने रख लिया है। पता नहीं, मैं पिछली बार जब यमुनोत्री के लिए गया था, मैं मेट्रो से ही गया था कश्मीरी गेट तक, तब इन्होंने इसको नहीं रखा था। बट आई थिंक नाउ इट इज यू नो not allowed. आप देख सकते हैं मैं कश्मीर गेट पहुंच चुका हूं और मैं एक लोकल बस में बैठा हूं अभी। रीज़न बीइंग मैं चाहता था कि वोल्वो में ट्रैवल करूं टू हरिद्वार और ऋषिकेश, बट पता चला अभी 8:30 बज रहे हैं, मुझे पता चला कि यहां से जो वोल्वो है वो पहली वोल्वो रात को 10 बजे है, तो मैं यहां पे 1.5 घंटे वेस्ट नहीं कर सकता। इसलिए मैंने डिसाइड किया कि जो ये लोकल बस है, अराउंड 250 रुपीज़ किराया है इसका, ये अभी 5-10 मिनट में चलने वाली है। सो लेट्स नॉट वेस्ट टाइम एंड यू नो प्रोसीड। ऋषिकेश के बस स्टैंड पे पहुंच चुका हूं, अभी रात के 3 बज गए हैं। विद इन हाफ एन आवर हरिद्वार से मैं ऋषिकेश पहुंच गया। अभी मैं काउंटर पे पता करता हूं कि रुद्रप्रयाग के लिए बस कितने बजे की है। आई होप जल्दी से जल्दी हो। ये देखिए, दिस इज ऋषिकेश बस स्टैंड। रुद्रप्रयाग का मार्केट है, अभी सुबह के 9 बज गए हैं, मैं रुद्रप्रयाग पहुंच चुका हूं एंड अब यहां से मुझे जाना है उखी मठ। अभी जितनी भी गाड़ियां यहां खड़ी हैं, ये मेनली गुप्तकाशी जा रही हैं, जो मेरे रूट में नहीं पड़ता। उखी मठ की गाड़ियां आने वाली हैं। यहाँ से शेयर्ड सुमो में जाना इज मोर कन्वीनियंट बिकॉज थोड़ी देर में फ्रिक्वेंसी उनकी है, आती रहती हैं, और वहाँ से मुझे जिन अंकल जी के रिजॉर्ट पे जाना है, जो कि उखी मठ चोपटा हाईवे के बीचों बीच पड़ता है, वहाँ से मुझे एक कैब मिल जाएगी। हेलो गाइस, ये है हनुमंत इन रिजॉर्ट्स। आज 17 अक्टूबर दोपहर को 1 बजे मैं पहुंच चुका हूं यहां पे। कल शाम को 7:30 बजे दिल्ली से निकला था, आफ्टर 17 लॉन्ग आवर्स ऑफ जर्नी। ये देखिए यहां का कैफेटेरिया, वो रहा किचन। यहाँ पे एक बालकनी है, बहुत सुंदर व्यू है यहाँ से। शाम को यहाँ से सनसेट का नज़ारा बहुत सुंदर दिखाई देता है।
आइए अपना रूम आपको दिखाता हूँ। ये है मेरा रूम, काफी अच्छा वेल फर्निश्ड है। खैर मैं इतना थका हुआ हूँ कि मुझे फर्क ही नहीं पड़ता क्या वेल फर्निश्ड है और क्या है, मुझे तो बस इस बेड पे सोना है। बहुत ज्यादा थका हुआ हूँ और कमर में दर्द हो रहा है, कल मुझे ट्रैकिंग करनी है, सो आई नीड प्रॉपर रेस्ट बिफोर दैट। एनीवेज सी यू इन द इवनिंग। रात के अभी 10:30 बज चुके हैं, मैंने अभी अंकल जी के साथ बैठ के, दादाजी के साथ बैठ के डिनर किया, बहुत बढ़िया डिनर था। बाहर बहुत ठंड है और आप देख सकते हैं मैं अपनी रजाई के अंदर बैठा हुआ हूँ अभी, और अभी बस कल की तैयारी है, कल तुंगनाथ के लिए निकलना है, सुबह यहाँ से गाड़ी पकड़नी होगी। बहुत अच्छा दिन रहा आज का, और क्योंकि मैंने सोलो ट्रैवल किया इस बार तो मुझे कोई कंपनी नहीं मिली आते टाइम, लेकिन यहाँ पे बहुत अच्छा लग रहा है, सब अच्छा है। और सो आप लोग भी जब भी यहाँ पे आए यहाँ पे ठहर सकते हैं हनुमंत इन एंड रिजॉर्ट्स में। बाकी कल देखते हैं कल कैसा वेदर रहता है क्या रहता है, यहाँ पे इस टाइम बारिश वारिश तो कुछ नहीं होगी और वेदर बहुत क्लियर है, ठंड है, दैट इज पार्ट ऑफ इट। जैसे आप कह सकते हैं दिल्ली में दिसंबर का मौसम होता है वैसी ठंड यहाँ पे है इस टाइम। सो आई होप टू स्टार्ट माय ट्रैक बाय 1:00 सो दैट मैं तुंगनाथ और चंद्रशिला करके आ सकूँ वापस। और सेकेंडली मेरे स्कूल का एक ग्रुप आया हुआ है यहाँ पे, जो मुझे खबर थी, अगर देखो अगर वो आए हैं तो हो सकता है से मुलाकात हो जाए। एनीवेज सो गुड नाइट, बाय बाय, टेक केयर।